व्यक्ति नहीं है। मुझसे आज भी ये पूछा गया था जब मैं आया कि आचार्य जी आप क्या सोचते हैं कि एडवर्टाइज का कितना बड़ा रोल है प्रोडक्ट को सेल करने में या पहुंचाने में। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, सूचना का माध्यम क्या है? बट ऐसा कोई न्यूज आइटम तो नहीं कि एक दिन न्यूज में बात कह दी कि भाई ठीक है इस कंपनी की ये चीज है और लोगों को पता चल गया। तो विज्ञापन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा लोगों तक सूचना पहुंचती है। परंतु मेरे भाई मैं क्षमा पूर्वक एक बात कहना चाहता हूं, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कई बार, बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि हम लोगों के लिए देखो हम धोती कुर्ता वाले लोग हैं, हम भारतीय संस्कृति और परंपरा की बात करते हैं तो वो संस्कृति और परंपरा की हम बात ही नहीं करते हैं, जीवन में भी हम चलते हैं। जब हम लोगों ने एडवर्टाइज वगैरह शुरू किया, बहुत सारे भाइयों ने, बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो मार्केट का ट्रेंड है, जिस तरह से चीजें चलती हैं, जो ट्रेंड है उसी तरह से आपको चलना चाहिए। हमने कहा कि हम अपनी परंपरा को छोड़ करके हम नहीं जाएंगे। हमने, क्षमा करिएगा, मेरी माँ बहन बेटियां बैठी हुई हैं, हमने कभी उनको सिर्फ उत्पाद बेचने के लिए भोग्य साधन के रूप में पतंजलि न तो कभी आज तक प्रयोग किया है न कभी आगे करेगा। ये हमारा वादा है, ये हमारा संकल्प है। प्रोडक्ट बिकता हो बिके, नहीं बिकता हो नहीं बिके, हमारे लिए पहले हमारी मर्यादा है, उसके बाद हमारे लिए बुद्धि। इतनी अपनी बुद्धि को खपाओ। होता क्या है कि कई बार हम जो है ना सफलताएं तो चाहते हैं, हम ज्ञान तो चाहते हैं, नॉलेज तो चाहते हैं, पर हमारे शास्त्र कहते हैं, क्योंकि मैंने वेद पढ़ा है, मैंने संस्कृत पढ़ा है, मैंने उपनिषद पढ़ा है, वहां कहते हैं यस्मिन ऋच साम यजुंसि यस्मिन प्रतिष्ठिता रतनाभाविवार। सारा ज्ञान विज्ञान और नॉलेज यह सब कुछ तो तुम्हारे अंदर है, यदि अंदर है तो दूसरे को तो तुम अपनी नॉलेज को जगाने का साधन बना लो। आपके पास एक्सपर्ट्स हैं, आपके पास जानकार लोग हैं, वो ये मत सोचो कि उनकी बुद्धि से तुम काम करोगे, ये प्रयास करो कि उनके नॉलेज से अपने नॉलेज को मेरे को जागृत करके काम करना है। क्योंकि कई बार कहते हैं कि आप इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, आपके पास प्रोफेशनल्स, मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूँ, प्रोफेशनल्स का सम्मान होना चाहिए, उनका सत्कार होना चाहिए, और उनके बिना संस्थाएं भी खड़ी नहीं होती है। पर उससे यदि कोई बड़ी बात है जो मैं बताना चाहता हूँ, तो लोग तो बुद्धिशाली इसी देश में है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, अभी हम लोग अभी नॉर्थ ईस्ट में बड़ी यूनिट लगा रहे हैं, आईटीसी का जहाँ लग रहा था उसके पास में हम सोच रहे थे, जहाँ भाई लोगों ने अच्छा, हम लोग ऐसा, मैं सबको बहुत प्यार करता हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ तो समस्या क्या खड़ी हुई। नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम आप जानते हैं, इनकी भी काम अभी आधा अधूरा पड़ा हुआ है, मुझे पता है, हमको पीड़ा होती है कि वो काम नहीं करने दे रहे थे। जो फिर भारत वर्ष के अंदर जो सिक्स जो सीजन्स है ना, छह षड ऋतुएं जो है, वह एक बड़ी विशेषता है। अलग अलग ऋतु में शरीर की जो स्थिति होती है वो अलग अलग होती है। अब आप सर्दी में गुड़ खाओ और तिल खाओ, बड़ा सेहत बनेगा, गर्मी में खा लो तो खून निकलेगा नाक में से। हमको ऋतु के अनुसार भोजन करना चाहिए। इसीलिए जो आहार की व्यवस्था इस भारतवर्ष की थी, ये विशेषता थी। अब हम दुनिया की बात करें तो भारतवर्ष की स्पाइसेस की तो बात होती है, पर आहार की बात आती है तो मसाले तले भुने वहीं पर रह गए। हमको एक आहार की व्यवस्था बनाई गई थी और ऋतु के अनुसार भी वही चीज वहीं पैदा होती है। ये भी एक बड़ी साइंटिफिक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। यदि राजस्थान में तरबूज और खरबूज पैदा होता ना, वो पहाड़ की चोटी पे हिमालय पे कर देता, खाते तो सबकी कुल्फी जमे मिलती, पर हमारी खाने की व्यवस्था बदल गई। भाई जो जौ है, गेहूं है, जो जो फाफड़ा है, जो पहाड़ पे जो चीजें हैं, जो पहाड़ के लिए चाहिए वो वहां पैदा होता है, जो मैदान के लिए चाहिए वो पैदा होता है, समुद्र के किनारे जो चाहिए वो वहां पैदा होता है। तो एक प्रकृति ने व्यवस्था बनाई थी।